हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कंचन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टोनिक वन। आज एक थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है लोंग बर्न की, बाइनेंस की तरफ से सीजेड ने कुछ बोला है कम्युनिटी को। एक्चुअली उसने क्या बोला है ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। वो ये बोला है कि विल बाइनेंस सपोर्ट द लोंग बर्न 2% फॉर एवरी ट्रेड टू द बाइनेंस ऑन द बाइनेंस। तो ये की है कि लोगों ने मॉर्निंग में जो भी इसका AMA हुआ था ट्विटर स्पेस के ऊपर, तो लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने, मतलब लूम की कम्युनिटी ने बहुत सारे लोगों ने उससे ये क्वेश्चन किया था कि लूम की बर्न करेगा या नहीं करेगा बाइनेंस, बिकॉज यू नो सीजेड ने पहले काफी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि वो एग्री हुआ है लूंग को बर्न करने के लिए। कि मतलब उन्होंने सीजेड की तरफ से ये भी एक बयान आया था कि भाई लूंग की बर्न तो उससे पहले सबसे पहले आप इंप्लीमेंट करो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर 1.2% ऑन चेन बर्न स्टार्ट करो, उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद सीजेड ने उसके लिए मना कर दिया था, तो कम्युनिटी बहुत ज्यादा नाराज हो गई बाइनेंस से। और बाइनेंस कहीं ना कहीं उस चीज को अपना डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, और सीजेड को सबसे पहले ये सोचना चाहिए था उसने कहने से पहले वैसे। लेकिन चलो जो भी है, हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम ये आपको बताते हैं वो बेसिकली क्या कह रहे हैं। तो बाइनेंस लास्ट में ये बता रहा है कि एक ऑप्शन हो सकता है अगर कम्युनिटी रियली में स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या कर सकते हैं कम्युनिटी 1.2% बर्न के लिए इन एवरी ट्रेड, तो उसने एक सॉल्यूशन बताया है टैक्स ऑन जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, अगर वो 1.2% करता है तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी है कि कम्युनिटी है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट अपना दिखा दे, ठीक है। उसमें सबसे पहला यहां पे ये लिखा हुआ है, वी विल इंप्लीमेंट ऑप्ट इन बटन फॉर द पीपल ऑप्ट इन टू पे 1.2% टैक्स, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि हम हम कम्युनिटी के साथ अगर वैसे रीजन बता दूं इसका क्या है, इसका मतलब भी बता देता हूं मैं। तो सीजेड ये सोच रहा है कि अगर मैंने नहीं रखा तो कम्युनिटी छोड़ के चले जाएगी। तो उसने एक ऑप्शन दिया है कि वो हमारी काफी जो है कम्युनिटी जो ऑलरेडी ट्रेड कर रही है, अगर वो 1.2% अचानक लगा देता है तो कम्युनिटी छोड़ के जा सकती है और उनका दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर सकती है। तो इससे अच्छा है कि वो एक ऑप्ट इन बटन, मतलब एक बटन लगा देंगे उसके ऊपर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर कि जो भी इसको टैक्स को बर्न के लिए हेल्प वो कर ऑप्ट इन पे क्लिक करें, और जब ऑप्ट इन पे क्लिक करेंगे तो 20% जब ऑप्ट इन पे जो भी इसके सपोर्टर है ऑप्ट इन पे क्लिक करें, और जब भी ये जो इसका जो जो पूरे लुक है बाइनेंस के ऊपर, ठीक है, अगर पूरे एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 1000 लुक है बाइनेंस के ऊपर तो उसका 25% मतलब उसका 25% हो गया 250 लुक की कम्युनिटी यहां पे हो जाती है जो ऑप्ट इन के ऊपर, ठीक है। अगर 250 लुक हो जाते हैं, मतलब एक एग्जांपल है, 250 एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, तो 25% अगर हो जाते हैं तो लुंक की बर्निंग जिन्होंने ऑप्ट इन पे क्लिक किया है उनकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नंबर एक, इसने क्लिक कर दी, ये एक जो एक ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। सबसे पहले जो बाइनेंस के ऊपर ऑलरेडी वॉलेट्स ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेड कर रहे हैं वो आई डोंट थिंक सो वो क्लिक करेंगे, नए नए लोगों को लुंक लेके आने पड़ेंगे वहां पे आके, या तो खरीद के करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, बाइनेंस ने अपना फिर द्वारा इसने अपना सोचा है कि वो चाह रहा है कि हमारा ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग से जनरेट हो बहुत सारा पैसा, और वो कहीं ना कहीं जो लुंक को अपने वॉलेट्स में, जो अपने होट वॉलेट्स में और ज्यादा जमा कर ले। तो इसमें भी एक गेम है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसने शर्त तो रखी हुई है। तो वेन जो ऑप्ट इन जो 25% पहुंच जाएगा तो उसके बाद ये 1.2% टैक्स जो कम्युनिटी है जिसने ऑप्ट इन के ऊपर क्लिक किया है उससे वो लेने लग जाएंगे, ठीक है, और बर्न करने लग जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, थर्ड का भी एक अलग से ही फंडा है, वो ये है कि देखो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में जब जो
ट्रेडिंग वॉल्यूम है पूरे लुंक में बाइनेंस के ऊपर जो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम है 50% ट्रेडिंग वॉल्यूम पहुंच जाता है इनका, ठीक है। तो 50% जब ट्रेडिंग वॉल्यूम पहुंच जाएगा उसी का, मतलब इन टोकन्स का ही जो ऑप्ट इन के अंदर है, तो 50% ट्रेडिंग वॉल्यूम जब पहुंच जाएगा तो वो 1.2% सारी की सारी बाइनेंस एक्सचेंज पे जितने भी ट्रेडिंग प्लेयर्स हैं लगा देंगे, ठीक है। जो भी ट्रेड करेगा, जो भी सेल करेगा बाय करेगा, उसके ऊपर वो टैक्स लगा देंगे। तो बड़ा इजी सब्जेक्ट है, बस ये डिपेंड करता है। इन्होंने इसने बेसिकली कम्युनिटी के ऊपर छोड़ दिया है, अब कम्युनिटी क्या करना चाहती है। लेकिन अगर कम्युनिटी ट्राई भी करेगी जब भी सीजेट का फायदा है, और अगर वो ट्राई नहीं भी करेगी तो वो सीजेट का ही फायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसने एक इतनी बड़ी शर्त रखी है जो हो सकता है पूरी भी हो जाए, हो सकता है पूरी भी ना हो, बीच में भी रह सकता है हिसाब किताब। बट ये है कि फॉर लॉन्ग रन मैं ये नहीं समझता कि भाई बाइनांस ही बहुत कुछ कर सकती है। अगर छोटी छोटी एक्सचेंज भी अगर आ जाती है और इसको सपोर्ट करती है, और फॉर लॉन्ग अगर लुंक को सपोर्ट करती है, तो लुंक बहुत तेजी से बर्न होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये अगर यहां से अगर मूव होना शुरू हो गया लुंक बाइनांस के ऊपर से, तो मजबूरन इसको करना पड़ेगा। बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनके पास स्कीम्स और दिमाग इतना हाई होता है कि एक मैनिपुलेट करते हैं वो इंसानों को, दूसरे लोगों को, जो दूसरी कम्युनिटीज को, किसी को भी अभी इस वक्त जो है बाइनांस का टाइम है, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इसका टाइम है, तो इसका ये बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, और ये बहुत गलत कर रहे हैं उस हिसाब से, मेरे हिसाब से। बट कम्युनिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से इसको सपोर्ट करती है कि नहीं करती, अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम और वॉल्यूम प्लस ट्रेडिंग वॉल्यूम दोनों चीजें बढ़ती है जो लुंक की, तो सीजेट का फायदा तो वैसे ही बहुत तगड़ा हो जाना है, ठीक है। एनीवे, तो ये मेरा मकसद था आपको ये चीज बताना कि ये किस तरह से लुंक बर्निंग बाइनेंस के ऊपर काम करेगी। 1.2 ऑफ चैन की बात कर रहा हूं मैं, ऑन चैन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ऑन चैन तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है हर जगह। तो लुंक बर्न एंड बाइनेंस का मतलब ये है फ्रेंड। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, इंफॉर्मेशन आपको सही सही सी दी है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते और चैनल देखते हैं, आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए मुझे। और थैंक यू वेरी मच हमारा चैनल देखने का। हैव अ गुड वन।